चंडीगढ़ कुमाऊं सभा के 8 साल बाद हुए चुनाव में जहां 1042 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, वहीं पर सेक्टर 28 स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास लगते पार्क में रविवार सुबह से ही मतदाताओं में मतदान के लिए पूरा जोश देखने को मिला। इन चुनाव में प्रधान पद के लिए मनोज रावत व जगदीश शर्मा उर्फ जगत सिंह के बीच सीधा मुकाबला था, जबकि महासचिव पद के लिए दीपक परिहार व राजेंद्र सिंह राणा और होशियार सिंह के बीच मुकाबला था। इसी प्रकार खंजाची पद के लिए नारायण सिंह, प्रेम सिंह राणा और महेश चंद्र के बीच मुकाबला था। जानकारी के अनुसार रविवार को हुए सभा के चुनाव में 1042 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जबकि 2983 सभा के सदस्य बताए जाते हैं। इस चुनाव को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले दिनों जगदीश शर्मा ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने मतदान की प्रक्रिया पर रोक ना लगाते हुए अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित की है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है उसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। कि इससे पूर्व 2012 में चुनाव करवाए थे, जबकि 2015 में चुनाव होने थे, लेकिन किसी कारणवश 8 वर्ष तक चुनाव नहीं हो पाए। इसी बीच 2023 चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ फर्जी मतदाता बनाने को लेकर सभा के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद यह हमला कोर्ट में चला गया तो अपनी कुमाऊं समाज को एक संदेश देना चाहूँगा। जिन लोगों ने आज हमें कोर्ट कचहरियों में बिना मतलब के ही और बेतुके वो आरोप लगाकर पर उनको ये नहीं पता, उन्होंने मलोया, नयागांव और सिंगा देवी में जाके सबसे जाली साइन कराए भी हम इस इलेक्शन को हम नहीं होने देंगे। जब हम गए उधर तो कहते हमारे साइन ही नहीं, सारे जाली साइन है, बहुत जाली साइन, कम से कम 200 से। किसने करवाए हैं ये? अपने दूसरे ग्रुप ने जो आजकल कोर्ट में गए सारे, तो इन्होंने जिसमें कि सुमन शंकर तिवारी जी और इन्होंने सारा एक करके जाली साइन कराए। ठीक है, तो उसके विरोध में हम इनको, हमने भी पूछा भी ये जाली साइन क्यों कराए आपने, और जो कि हमें मुझे वो बाई पर्सनली इन्होंने रजिस्टर कॉपी रिसीव करवाई भी, ये साइन हम भेज रहे हैं। इस करके मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे जो शरारती तत्व हैं जो जाली साइन करा रहे हैं उनसे सुचेत रहकर हम अपनी सारी युवा पीढ़ी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आगे युवा पीढ़ी आएगी और बड़े अच्छे काम करेगी, इसी पर्पज पर हमने ये इलेक्शन करवाए। जब मैंने सभा हाथ में ली थी, जब मैंने अपनी सभा 2001 में अपनी सभा की बागडोर संभाली थी, उस समय भी इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था पहली कार्यकारिणी के साथ, धन सिंह रावत जी थे, और उसके बाद जो आज कोर्ट केस में जा रहे हैं हमारे साथ वो लीगल एडवाइजर भी थे सभा के 2008 तक वो लीगल एडवाइजर भी थे, आज वो कोर्ट में जा रहे हैं। और उसके बाद जगदीश शर्मा एडवोकेट जो है जिसने कोर्ट केस किया वो लीगल एडवाइजर था हमारा। ठीक है जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा। सर आप कमाऊ सभा की तरफ से एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दों को लेकर आप? प्रधानमंत्री उम्मीदवार खड़ा हूँ, इस बार 23 साल के बाद 23 ईयर्स के बाद प्रधानमंत्री चुनाव हो रहे हैं, और मैंने अपना मैनिफेस्टो में डाला है कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो है, वैसे तो एक वोटिंग में एक मेंबर का 500 रुपये ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर बोला है कि जैसे ही हम चुनाव में जीतेंगे टोटल मेंबर फ्री में बनेंगे, इसमें कोई भी किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका। दूसरा मैं तो मैंने ये उठाया कि जैसे हमारे यहाँ पर एक भवन नहीं है, सभा हमारी इलीगल अभी चल रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं है, सबसे पहले हमें फिर वो रिन्यूअल करना पड़ेगा। अभी 18 साल बाद चुनाव की कुछ चल रहा है, 18 साल चुनाव हुए हैं, 18 साल बाद चुनाव है, दूसरी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि 2012 में हुए थे चुनाव, 2012 में भी चुनाव नहीं, तो उसमें विरोध बन गया था। और अभी जो है वैसे तो जो सभा का हर 2 साल बाद चुनाव होना होता है, 2 साल 3 साल बाद चुनाव कराना पड़ता है, कानून भंग हो जाती है, लेकिन किसी कारण बस कोई चुनाव नहीं हुआ है। अभी भी इसमें कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि चुनाव तो होंगे, 4 बजे तक चुनाव है, लेकिन इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि पहले सेशन कोर्ट में सिविल कोर्ट का मामला चला रहा, उसके बाद कल सेशन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा चुनाव में कुछ गड़बड़ी लगी है। हमारे अभी चुनाव में थोड़ा हमारे यहाँ एक एडवोकेट जगदीश शर्मा है, उन्होंने इसकी जो है रिट डाली हुई थी,
कोर्ट ने उनको मान लिया, संज्ञान में ले लिया कि यहाँ कुछ अनियमितता उसमें है, उसकी वजह से कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा रखी। अब जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं करेगा तब तक रिजल्ट भी इसका नहीं आएगा। ठीक है, मनोज रावत सर, आप कमाऊ समाज के उसमें उतर चुके हैं मैदान, चुनावी मैदान में आपने, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगों को लेकर आप उतरे हैं? हमारी मांग तो सबसे पहले यही है कि अपना जो समाज है, जो समाज हमारा कुमाऊ समाज जो उसमें कटघरे तक चला गया है, उसको सब मिलजुल कर इकट्ठा करने का हुआ। नहीं सर, कितनी वोट्स हैं, मतलब क्या कुछ है? हमारी 2300 कुछ वोट है, हमारी जो कुमाऊ समाज की जो वोट है 2385 कुछ वोट है हमारी, लाइफ टाइम मेंबर्स। जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? जीतने के बाद मेरा सबसे पहला यही हमारा जो ये प्रयास रहेगा, सब जो अलग अलग हो रखे हैं, सब कुछ लोग कोर्ट के रास्ते अपने वो सुझाव वो मांग रहे हैं, अपना सबको इकट्ठा करने का हमारा सबसे बड़ा ये वो है। 18 साल बाद चुनाव हुए हैं? 18 साल बाद तो नहीं हुए हैं चुनाव, 2012 के बाद हुए हैं। 2012 के बाद आपको भी पता है कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई थी, लॉकडाउन कोरोना आ गया था, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका थोड़ा कोई पर्सनल वो भी हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल के बाद हुए। लास्ट में कुमाऊ समाज के सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुमाऊ सभा के लोगों को सबको मैं यही कहना चाहूंगा, हम मिलजुल कर एक समाज में एक अपनी अच्छी पहचान बना सके, वो तभी पॉसिबल है जब हम मिलजुल कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।